जम्मू कश्मीर में दक्षिणी हिस्से में सुबह सुबह आतंकियों ने दो अलग अलग जगह पुलिस दल पर हमला किया है। पुलवामा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि तीन पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हैं। हमले के बाद आतंकी जवानों की असॉल्ट राइफलें लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस दल पर हुए इस हमले के पीछे जैश के आतंकियों की भूमिका मानी जा रही है। ये इंसिडेंट आज सुबह करीब 3:30 बजे जो है वो ये गार्ड पोस्ट था न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ उस पर जो है हमला हुआ। 3 जो है वी गार्ड इंजर्ड और हमारे दो लड़के जो गार्ड रूम में थे उनको जो है उस तरीके से उन पे फायर हुआ। दे आल्सो रिटेलिएटेड बट दे सफर्ड बुलेट इंजरीज और दे स्कम्प्ट। दूसरा हमला अनंतनाग के जंगलात मंडी में पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ। यहां आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला किया जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें एक जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक रमजान माह के दौरान एक तरफा संघर्ष विराम किए जाने के बावजूद घाटी में आतंकी हिंसा में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है।